हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच के लिए रेड मसूर का दाल। मैं कुकर में नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट कढ़ाई में बनाऊँगी तड़का लगा के। और इधर बना रही हूँ चावल। चावल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो रखा है, इससे चावल खिले बनेंगे। और ये बनाते हैं दाल। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद डालेंगे इसमें हम तेज पत्ता, सूखी मिर्च और जीरा। जब थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें डालेंगे हम प्याज। और ये मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, टमाटर, धनिया। इसके बाद डालेंगे इसमें हम प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे लाल हो गया है प्याज, अब हम डालेंगे इसमें मिर्ची, लहसुन अदरक जो मैंने कूट दिया, उसको डाल के अच्छे से भूनेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर डाल के हम इसमें नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से बन जाए। पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है ये मिक्स मसाला है, इसमें सब कुछ मतलब जीरा, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, ये सब कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। ये मसाले हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मिक्स मसाला है। मिक्स मसाला बनाने का यही रीज़न है कि मसाले वैसे कम डालते हैं। तो यहाँ डालेंगे 1 चम्मच मसाला, 1 चम्मच थोड़ा सा और ले लूँगी। ऐसे बना के रखने से मसाले बिल्कुल कम डालते हैं। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और इसमें डालेंगे फिर हम चिकन मसाला, अच्छे से भूनेंगे। टमाटर को पहले ही गल चुका है, अब हम इसमें ये दाल भी मैंने सुबह ही धो के भिगो दिया था, इसका पानी निकाल ली है। अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी, दाल के साथ इसको भूनेंगे थोड़ी देर। इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाता है। इसके साथ सब्जी की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से चावल दाल खा सकते हैं। तो ये दाल डाल दिया, इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी पानी। खुला हुआ है तो जल्दी ही पक जाएगा ये दाल। फिर से खुला रही हूँ, ऐसे ही लग रहा है पक गया है ये। फिर अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मैंने एक तरफ मैंने गर्म पानी का ले रख दिया था पहले से चावल बनाने के लिए, इसी पानी में से मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छे से जल्दी पक जाए। इसको ढक के मैं फिर पका लूँगी, इसको अच्छे से उबाल आ जाए और दाल अच्छे से भून जाए। उसको अच्छे से मैं घर पर पका लूँगी, तब मैं चावल बना लेती हूँ। देखिए दाल अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा और भूलेगा। इसमें हम डालेंगे मीट मसाला, मीट हो या फिर चिकन हो, डालेंगे इसमें 1 चम्मच। थोड़ी देर और पकने देंगे,
दाल अच्छे से भून जाए। ऐसे भून गया है लेकिन थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसमें बहुत अच्छा आ रही है। तो मैंने बना दिया है फाइनल, दाल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा दाल बनाई हूँ, दाल चावल। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, अच्छे से डालेंगे, भर भर के डालेंगे, है ना खुशी खुशी। अब इसमें दाल में धनिया पत्ता भर भर के डालेंगे। कम इसमें नमक मैंने पहले कम डाला था, थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, क्योंकि चावल के साथ खाना है, थोड़ा नमक तेज़ी अच्छा लगता है। तो ये बन गया, दाल रेडी हो गया, मस्त वाली दाल बनी है। और इधर बना दी मैं चावल, चावल भी रेडी हो गया है, खिले खिले चावल बने हैं। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी प्लीज़। तो ये रहा मेरी दूसरी थाली, रेडी हो गई है। कैसा लगा आप सबको?